तो आज मैंने देखी अजय देवगन की मैदान मूवी। और मैं सच कहूँ तो यार, आजकल ऐसी मूवीज बनती नहीं है जिनके लिए आदमी थिएटर में जाना प्रेफर करे। मतलब कहते हैं ना कि वो थिएटर तक ड्राइव कर सके, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट किसी मूवी में नहीं दिखती। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा मैं मैदान मूवी को लेकर कह रहा हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैदान मूवी इसका ठीक ऑपोजिट है। इस एक्शन मूवी की भेड़ चाल के जनरेशन में एक अलग जॉनरा पे मूवी बनाना और इतने ब्रिलियंटली उसको पुल आउट कर लेना बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बाकी अगर आप इस वीडियो के अंदर मैदान मूवी की रिव्यू का वेट कर रहे हो तो वेट बिल्कुल मत करो, क्योंकि मूवी वाकई में बहुत अच्छी है। आपको थोड़ा बहुत भी फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप 110% मूवी को एंजॉय करोगे। साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स मूवी में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो बिना सोचे मूवी की टिकट लो, मूवी देख लो जाके। इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा, इस बात पे ध्यान देना, गोल्डन एरा पे आधारित है ये मैदान मूवी। अब इस बात का वजन आपको जरूर फील नहीं होगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा एक्सपीरियंस या कह सकते हो हिट करने के लिए एक वाइल्ड गेस लो कि आखिरी बार इंडिया की फुटबॉल टीम ने कब ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। ध्यान रखना, मैं यहाँ ओलंपिक्स जीतने, मेडल लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ। 64 ईयर्स, हाँ तुमने सही सुना, आखिरी बार इंडिया की फुटबॉल टीम 64 साल पहले 1960 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई थी। एंड मूवी के एंड में जब ये चीज मेंशन करी जाती है तो आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड यू विल बी टू, क्योंकि 60 साल एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है और इस टाइम इंटरवल के बीच में एक भी बार इंडिया की टीम फुटबॉल ओलंपिक्स खेलने के लिए नहीं गई। बहुत बड़ी बात है ये। खैर मूवी पे आ जाए तो देखो, मूवी की हाइलाइट्स बहुत सारी हैं। मतलब इस मूवी के अंदर कमियां निकालना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि मूवी लिटरली अपने हर एक एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एक स्केल रखो कि बैड, एवरेज, फिर गुड, बेटर, बेस्ट, तो इस मूवी के सारे एस्पेक्ट बेस्ट और गुड के बीच में ही आ जाते हैं, उससे नीचे नहीं। सबसे पहले मूवी की पॉजिटिव डिस्कस कर ले तो एक्चुअली में मैदान मूवी 3 घंटे की मूवी है, जिसका फर्स्ट हाफ आपको इमोशनल बिल्डअप और ड्रामा बिल्ड करते हुए दिखाया जाएगा। साथ ही साथ मूवी का फर्स्ट हाफ इंडिया के फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर चल रही डर्टी पॉलिटिक्स को काफी अच्छे तरीके से दिखाता है, जिसको स्क्रीन में देख के आपको बहुत बार गुस्सा भी आएगा। इसके बाद मूवी का सेकंड हाफ अपने इस इमोशनल बिल्डअप और ड्रामा को वेस्ट नहीं होने देता और बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल हिट करता है। और साथ ही इस मूवी का पीक तब आएगा जब इस मूवी के लास्ट 40 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे। इस लास्ट 40 मिनट में सिर्फ एक गेम को दिखाया गया है। इस पूरी मूवी से थोड़ा बहुत रन टाइम काट काट के इस पर्टिकुलर गेम को स्पेसिफिक फोकस देने के लिए टाइम बचाया गया है पूरी मूवी से, और सारा टाइम इस गेम में दे दिया गया है। और जिस माइन्यूट डिटेल के साथ इस गेम को दिखाया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबल है। इसकी जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है। अब मूवी के इस लास्ट के 40 मिनट के सीन के बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस मूवी के अंदर जितने भी एक्टर्स को प्लेयर्स के रोल में कास्ट किया गया है वो 11/10 है इजिली, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि बंदे एक्टर्स हैं, दे लिटरली फील कि दे आर फुटबॉलर्स ऑन द स्क्रीन। जब आप देखते हो ना, वो गिरते पड़ते हैं, वो प्रयास करते हैं, हारने के बाद फिर से उठने की कोशिश करते हैं, वो सब स्क्रीन में फील होता है। एक एथलीट वाली स्पिरिट उन एक्टर्स में दिखती है। एंड टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी एंड ऑल्सो द मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि एक बार आप उन रियल प्लेयर्स और इन एक्टर्स को मिलाओगे ना, आई मीन देयर इज अ जीरो डिफरेंस तो नहीं कह सकता, बट डिफरेंस बहुत कम है, माइनर डिफरेंस है। क्योंकि जो लुक इन्होंने रिक्रिएट किया है अपने उन प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। इवन मूवी का एंड क्रेडिट्स आपको अच्छा खासा टाइम देगा उन फोटोज के साथ, और जब आप एंड क्रेडिट्स में रियल प्लेयर और उनका रोल प्ले करने वाले एक्टर की फोटो दोनों साथ में देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना एक्यूरेट मेकअप इन लोगों ने किया है अपने एक्टर्स का। इट्स इजली 11/10। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स है मूवी की। और अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, इन सभी प्लेयर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो, इनको एडमायर करते हो, तो ये मूवी आपके लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगी, क्योंकि फुटबॉल फैंस को ये मूवी एक फेस्टिवल जैसी है। इसके अलावा एक स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा अजय देवगन को, ही इज लिटरली सोल ऑफ द मूवी। जो उन्होंने इमोशनल डेप्थ दिया है मूवी को, प्लेयर्स को, इंडियन फुटबॉल को, वो मूवी के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करता है। साथ ही उनकी जो एक्टिंग है बहुत ज्यादा काबिले तारीफ थी, इट वॉज एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल। इसके अलावा AR रहमान का म्यूजिक साथ ही इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी दोनों नेक्स्ट लेवल पे है, उसको जज नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा। इवन मूवी की स्टार्टिंग में ना नॉर्मल से शॉट्स जिनको बहुत इजीली दिखाया जा सकता था, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नॉर्मल से शॉट्स भी बहुत डायनेमिक लगते हैं स्क्रीन में। अब इसका रीजन तुम उनकी कलर ग्रेडिंग को कह सकते हो, जिस फोकल लेंथ में शूट किया है उसको कह सकते हो। और साथ ही मूवी का म्यूजिक स्टार्टिंग में ट्रांजिशंस के लिए जो म्यूजिक उन्होंने यूज किया, मतलब साउंड इफेक्ट नहीं म्यूजिक यूज किया है, वो बहुत सही लगा। स्टार्टिंग में 2 बार वो प्ले होता है, बहुत बढ़िया लगा। और मूवी के एंड के 40 मिनट्स में जो म्यूजिक प्ले होता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं उस म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जाके एक्सपीरियंस कर लो बस। इसके बाद मूवी के लास्ट के 40 मिनट के पार्ट की बात करें, क्योंकि मूवी का लास्ट का 40 मिनट आपको अपनी सीट के एज पे रखेगा
हमेशा वो एक टेंस्ड माहौल में रखेगा कि भाई आगे एक्चुअली में होने क्या वाला है। एंड सिंस ये रियल लाइफ की भी स्टोरी है तो वो चीज और भी ज्यादा हिट करती है कि भाई इन लोगों पे इतना ज्यादा प्रेशर है। अब मैं किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ ये तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगा। एंड साथ ही इस पूरे 40 मिनट के सीन को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है बहुत शानदार। एक स्पेसिफिक कैमरा एंगल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उसको एक कह सकते हो थर्ड पर्सन पीओवी टाइप का वो शॉट था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप, ग्राउंड के अंदर एक रॉ वाली वाइब दे रहा था। उस कैमरे एंगल से ऑलमोस्ट लास्ट के 40 मिनट में 6 या 7 सीन शूट किए गए हैं और वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा रॉ फील हो रहे थे। अब भले ये वाले शॉट्स थोड़ी क्वांटिटी में कम है लेकिन जितने भी रखे हैं वो रॉनेस वाली वाइब और जर्की मूवमेंट के साथ काफी ज्यादा क्रेडिबल वर्क किया है। इवन मूवी के सारे मैचेस में जो हिचॉक शॉट्स, ड्रोन शॉट्स और जिस कैमरा मूवमेंट का यूज किया गया है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्योंकि उन कैमरा मूवमेंट्स की वजह से ना आप उस पूरी मैच की इंटेंसिटी को फील कर पाते हो। एंड इसलिए आप थिएटर्स के अंदर मूवी के लिए चीयर भी करते हो, जब लोग गोल करते हैं, जब लोग सेव करते हैं तो वो सारे मूवमेंट्स आपको बहुत ज्यादा इमोशनली हिट करते हैं, जिसके पीछे का रीजन यही कैमरा मूवमेंट्स की इंटेंसिटी है। अब सिंस ये 3 घंटे की मूवी है तो मूवी अपना एक एक मिनट वसूल लेती है, जो इसने ड्रामा बिल्ड करने के लिए, इमोशन सेटअप करने के लिए लगाए थे वो सब क्लाइमेक्स में आके भाई वसूल लेती है कि भाई अब आंसू निकालो तुम, गूजबम्स तुमको आएंगे ही, गारंटीड है। बाकी मेरी तरफ से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है, पेरेंट्स के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा फॉर श्योर। एंड मेरे ओपिनियन में अगर मैं 2023 और 24 की मूवीज की लिस्ट बनाऊंगा इंडियन मूवीज की तो इजिली ये मूवी टॉप 5 में आ जाएगी।